दोस्तों नमस्कार। पिछली हमने आपको एक भैंस कल दिखाई थी जिसको कि बहुत ज़्यादा लंगड़ापन हो रखा था, और जो ओनर थे उन्होंने बताया कि पहले एक पैर में था, फिर दोनों पैर में आया, फिर दोनों पैर के बीच में उन्हें कुछ लगा कि जैसे अकड़न, इसकी वजह से हो रही है, थोड़ी सूजन भी महसूस हुई। और जब हम वहाँ पहुँचे तो अलग ही पैर में सूजन थी। आप लोगों ने प्रैक्टिकली उस वीडियो को देखा, बहुत अच्छा प्यार आप लोगों का मिला। तो ये देखिए आज किन्होंने क्या ट्रीटमेंट लिखा है और क्या सही उसका इलाज होगा, इसके बारे में हम कंप्लीट चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आज हमारे NK6MY ने हमें फर्स्ट कमेंट और प्यार भेजा है, उसके बाद IR55GG भी हैं। और ये नाम आजकल कैसे आ रहे हैं, किसी को पता हो तो बताना, क्या आईडी आने लग गई है, क्या किसी का नाम समझ में ही नहीं आ रहा। वेटनरी हॉस्पिटल जी ने भी हमें प्यार भेजा है, और डॉक्टर पवन वर्मा जी ने भी हमें प्यार भेजा है, लाइव स्टॉक सॉल्यूशन जी ने भी हमें प्यार भेजा है, और लाइव स्टॉक सॉल्यूशन जी ने इलाज भी भेजा है कि आप DNS ट्राइवेट आर्टिजोन मैक्स टोल सर मसाज के बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए मसाज के बारे में भी बताएंगे, मसाज का तो एक वीडियो बनाएंगे कम्प्लीटली। मैं अभी ये लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए आपने आर्टिजोन और मैक्सटोल दोनों को यूज़ किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। आर्टिजोन का ही इस्तेमाल यहाँ पर किया जाए तो बहुत अच्छा है। यहाँ से दो इंजेक्शनों को आप उठा सकते हैं, एक आर्टिजोन और एक ट्राइबीवेट, ये दो आप इसमें से ले लीजिए, दोनों बहुत अच्छे हैं। तो दो इंजेक्शन यहाँ ले लीजिए, ट्राइबीवेट अच्छा है इस केस में और आर्टिजोन अच्छा है। इसके बाद हमारे भौतिक बराड़ जी हैं जिन्होंने प्यार भेजा है, और विनोद जी हैं मॉक्सेल आर्टिजोन CPM डेक्सामेथासोन, ये बिल्कुल गलत हो गया, डेक्सामेथासोन का स्टेप बिल्कुल भी गलत हो गया। बाकी आपका आर्टिजोन सही है, और मॉक्सेल को यहाँ पर कुछ नंबर मिलते हैं कि यहाँ हमें ऐसा एंटीबायोटिक यूज करना पड़ेगा जो सॉफ्ट टिश्यूज के लिए हो। मेनली आप मॉक्सेल इसमें गिन सकते हैं, या फिर सेपोटेक्सिम जो साल्ट आता है उसको गिना जाता है तो वो बहुत अच्छा रहता है, सेपोटेक्सिम। तो यहाँ पर सेफोटेक्सिम या मॉक्सेल को आप सेकेंड कैटेगरी में रख लीजिए। और अगले हमारे विकास रिवोल्यूशनरी जी ने लिखा है कि DCR भी चल जाएगा, बिल्कुल DCR भी चलता है, और आर्टिजोन आपने सही लिखा, ट्राई न्यूरोसोल HP, ये बहुत ही अच्छा काम आपने किया, ये यहाँ पर लगाइए, ये बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, विटामिन बी की तीन फॉर्म को यूज़ करेंगे, जैसा कि यहाँ ट्राई न्यूरोसोल HP हमारे सामने आ गई है, एक फॉर्म जो हाइड्रोक्सोकोबालामिन की होती है, एक फॉर्म हमारे पास आ गई है ट्राइबीवेट वाली जिसमें विटामिन B1 और साइनोकोबालामिन है, एक फॉर्म और हमें यूज़ करनी पड़ेगी, आपने दिमाग में सोच लिया होगा। जैसा कि यहाँ पर सुरेश जी ने लिखा है कि ट्राइबेट 20 ml या न्यूरोकाइंड दे सकते हैं, तो न्यूरोकाइंड को आप एडिशनल जो 30 ml डोज टोटल बनती है, भाई 3 क्विंटल की भैंस के लिए 30 ml हमें विटामिन बी देना रहेगा, तो उनमें से आप इनको तीनों को कुछ कुछ पार्ट दे दीजिए। जैसे 5 ml ट्राइन्यूरोसोल HP को दे दिया, 15 ml हमने ट्राइवेट को दे दिया, तो 15 और 5 20 हो गए। उसके बाद 10 ml आप न्यूरोकाइंड को भी दे सकते हैं और बेटर रिजल्ट इसमें ले सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप ऐड कीजिएगा, और साथ में आर्टिजॉन, अभी तक इतना ही आया है, बाकी हम देखते हैं और आगे क्या क्या आ रहा है। हमारे चंद्रकांत जी ने हमें प्यार भेजा है, और हमारे हसरत खान जी है जिन्होंने कहा है टॉलफिनामिक एसिड, वेरी गुड। अगले इंजेक्शन की जिसकी हम बात कर रहे थे वो टॉलफिनामिक एसिड ही है, लेकिन आपने बंधु दो जगह अच्छा टॉलफिनामिक यूज़ किया है, जो शायद एनाल्जेसिक जो आता है उसके लिए बात कर रहे हैं टॉलफिनामिक एसिड, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ टोनोफोस्फोन जो आपने आगे लिख ही दिया है, जिसकी हमें ज़रूरत थी। टॉलफिनामिक एसिड की यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ आर्टिजोन की ज़रूरत है। टोनोफोस्फोन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 20 ml टोनोफोस्फोन को देना। तो भाई अगला इंजेक्शन 20 ml टोनोफोस्फोन आ गया है, इनका देखिए, इनका बहुत अच्छा आर्टिजोन इन्होंने लिया, न्यूरोकाइन ट्राइवेट दोनों इन्होंने लिए हैं, और इन्होंने टोनोफोस्फोन भी लिया है। साथ में ये कह रहे हैं कि मैक्सटोल बोलस और न्यूरोकाइंड की सिरप दे देंगे, बहुत अच्छा निर्णय है आपका, और सोडियम एसिड फोस्फेट भी ऑरली दिलाने का जो निर्णय है वो भी बहुत ही अच्छा है। अब देखिए जो ऑइंटमेंट की बात चल रही थी, इन्होंने कहा है कि एक मैक्सटोल ऑइंटमेंट आती है, बिल्कुल आती है, वो यूज़ कर सकते हैं, आयोडेक्स और सरसों का तेल तीनों को मिला करके और यूज़ किया जाए। तो भाई हसरत खान जी आपने बहुत अच्छा इलाज लिखा है हर दृष्टि से, बस एक कमी जो यहाँ पर आपने छोड़ी है वो है एंटीबायोटिक,
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मल टेम्परेचर में भी कई बार एंटीबायोटिक लगाना पड़ता है, ये पशु चिकित्सक जो है वो अपने विवेक से इसे हैंडल करते हैं। आपने बहुत अच्छा हैंडल यहाँ पर किया है, तो ये इलाज बहुत अच्छा है भाई। इसको देख लीजिए, जहाँ पर दो फॉर्म विटामिन बी की यूज़ की गई है, और दर्द के लिए यहाँ पर आर्टिजोन एस इन्होंने लिखा, लेकिन टॉलफिनामिक एसिड की ज़रूरत नहीं थी। तो आर्टिजोन एस, न्यूरोकाइन, टोनो, ट्राइवेड, ये बहुत अच्छे हैं। ट्राइनेचुरल एसपी भी उसमें मिक्स किया जा सकता है, और एक एंटीबायोटिक, ये यहाँ पर हमें इलाज मिला है, बहुत अच्छा है। और भी देखते हैं आगे आगे क्या है। डॉक्टर गौरव बोस जी ने आर्टिजोन एस को जगह दी है, मैकोवेड एक्सल बहुत अच्छा है, न्यूरोकाइन या मैकोवेड एक्सल दोनों में से एक यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा है। आपने यहाँ पर आइसोफ्लुफेराडोन का इस्तेमाल बिल्कुल गलत कर लिया है, और डीसीआर डायग्राम से यहां कुछ होगा नहीं, तो यह भी थोड़ा सा स्टेप सही नहीं है। बाकी सिंपल लेमिनेसा बता करके इसको ठीक होना कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो गई है ये भैंस, लेकिन यह थोड़ा सा एक अटपटापन आपने दिखाया, आइसोफ्लुडोडिसिया ढाई, तो इसको थोड़ा सेट कीजिएगा। इसके बाद है हैप्पी कुमार वेट जी हैं, जिन्होंने हमें प्यार भी भेजा है, और मेग्लोडाइन डीसीआर के लिए कह रहे हैं, एविल और न्यूरो विट के लिए कह रहे हैं, टर्पेंटाइन ऑयल और लिक्विड अमोनिया, अमोनियम फॉर्ट 100 ml और मस्टर्ड ऑयल, ये मिला करके 3 बार लगाने के लिए कह रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। लिगामेंट के लिए ये अच्छा फॉर्मूला आपने यूज़ किया है, तो बिल्कुल ठीक है, चल जाएगा। इसमें टर्पेंटाइन ऑयल की जगह कैस्टर ऑयल लेते तो और भी अच्छा वर्क यहाँ पर होता। वेटनरी हॉस्पिटल ने हमें डीसीआर डायग्राम के लिए कहा है, मेलोनेक्स 18 ml, बी कॉम्प्लेक्स 10 ml और CPM 10 ml, न्यूरोकाइन प्लस आपने यूज़ किया, चलिए आपका भी ठीक है, लेकिन आर्टिजोन की आपने कमी रख दी और टोनो की आपने कमी रख दी, बाकी अच्छा है। सपोर्टिव थेरेपी के बगैर ये ठीक नहीं होगी। यहाँ पर न्यूरोकाइंड और सोडाफॉस, जो सोडियम एसिड फॉस्फेट वाली सीरप है भाई, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। गोविंद जी हैं, जिन्होंने आर्टिजोन एस अकेले के लिए कहा है, और इधर हमारे शुभम सुथार जी हैं, जिन्होंने बेंजाथिन पेनिसिलिन के लिए कहा है। इशारा तो इनका भी ठीक है, बेंजाथिन पेनिसिलिन वाला भी, लेकिन ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव को मारेगा, इसीलिए हम ऐसा देते हैं जो कि सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी काम आता हो, हड्डियों के लिए भी काम करता हो, सेपोटेक्सिम या मोक्सेल यहाँ पर यूज़ करें, फिर नहीं मिले दोनों तो DCR यूज़ कर सकते हैं। प्रेनिसोलोन या आइसोफ्लोड बिल्कुल गलत है। और डॉक्टर विवेक रविकांत जी ने आर्टिजोन एस, CPM, ट्राइविवेट, और इधर आपने ट्राइन्यूसोल एच को भी जगह दी है, बहुत बढ़िया। और DCR 2.5 ग्राम थोड़ा सा कम रह गया। मैक्सटोल की 12 टेबलेटें आप दे रहे हैं, दो दो टेबलेट नहीं आती है बॉस, उनकी बोलस आती है। तो मैकोवेड एक्सल भी आपने यूज़ किया है सिरप के रूप में, तो काफ़ी कुछ अच्छा है। तो इस तरीके से देखिए, आपके पास जो चीज़ें आई है, इंजेक्शंस वगैरह है, और सपोर्टिव थेरेपी के बगैर ये ठीक नहीं होगी। जहाँ पर अकड़न एक जगह पकड़ लेती है, वहाँ हमें ऑइंटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जबकि अकड़न कभी किसी पैर में, कभी किसी पैर में आती है, वहाँ ऑइंटमेंट की नहीं, वहाँ पर हमें सपोर्टिव थेरेपी में सिरप वगैरह देने की ज़रूरत पड़ती है, जो यहाँ पर दी गई, और बिल्कुल ये भैंस जो है वो ठीक हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं एक नए केस के साथ।